इवनिंग टू ऑल, आई एम पूजा. टुडे आई विल टीच यू क्लास थर्ड साइंस चैप्टर 4 एनिमल्स एंड कॉमन इंसेक्ट्स. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स और कुछ कॉमन इंसेक्ट्स, हमारे क्या है कीड़ा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इंसेक्ट्स क्या, आपने इंसेक्ट्स को कहाँ देखे? आप अपने चारों तरफ छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखते रहते होंगे, लाइक वीज, बीटल्स, या अपने चारों तरफ देखते होंगे. आप स्ट्रीट लाइट के पास देखिए, चारों तरफ घूमते रहते हैं. आप अपने रेनी सीजन में देखो, रेनी सीजन में कितने सारे आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉमन इंसेक्ट्स, आंट्स, बीटल्स, वीज, फ्लाइज, मॉस्किटोस, बटरफ्लाई, इनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ आफ्टर दैट, बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स, जैसे ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे. सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, बीज, जो कि हमारी कॉलोनीज में प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स की, जो इंसेक्ट्स, उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट उसकी रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ इन डीप, यू माइट हैव सीन मैनी इंसेक्ट्स अराउंड यू. आप अपने चारों तरफ बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखते हो. अ लाइन ऑफ आंट्स गोइंग सम वेयर इन सर्च ऑफ फूड इज अ कॉमन साइट इन एवरी होम बिफोर रेनी सीजन. आप आंट्स की लाइन देखो, लाइन आंट्स की लाइन देखते होंगे, जो रेनी सीजन में है ना, रेनी सीजन से आने से पहले वो लाइन बना के जाते हैं. हम किस लिए जाते हैं? वो अपने लिए फूड सर्च करने के लिए. वन कैन सी द कलरफुल बटरफ्लाइज रोमिंग अराउंड द फ्लावर्स. आपने फ्लावर्स को देखा है? फ्लावर्स जो है, जो बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स के चारों ओर घूमती रहती हैं. क्यों घूमती हैं? वो अपने नेक्टर निकालती हैं फ्लावर्स से, अपने लिए रस निकालती हैं. द बिजी बीज गैदरिंग नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर. नेक्टर मीन्स रस. द स्टिंगिंग मॉस्किट, द क्रीपी कॉकरोचेस एट नाइट. आपने कॉकरोचेस को देखेंगे नाइट में. द डांसिंग इंसेक्ट्स अराउंड अ स्ट्रीट लाइट, मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया है. अ नंबर ऑफ कॉकरोचेस अपीयर फ्रॉम वेरियस स्मॉल होल्स. जो कॉकरोच है वो कहाँ से आ जाते हैं? छोटे छोटे होल्स से. इफ़ एनी फूड आइटम लेफ्ट अनकवर्ड इन आवर किचन, अगर कोई भी किचन में अगर अनकवर्ड फूड, हमारा बिना ढका हुआ फूड रखा रहता है, तो आप देखो वहाँ पे घूमते रहते हैं इंसेक्ट्स, भी घूमते रहते हैं. आप कॉकरोचेस को देखो. इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स और अदर स्मॉल ऑर्गेनिम. जो इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? फीड ऑन द प्लांट से फीड होते हैं, और कुछ अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म से आते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इनसाइड द अर्थ, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अर्थ के अंदर से आते हैं. इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सम कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में. कुछ हमारे कॉमन इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एर्थोपोडा. ऐसे इंसेक्ट जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स से आते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एर्थोपोडा. इंसेक्ट्स आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हैबिटेट्स. हैबिटेट्स क्या? हमारा वेयर द प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव होते हैं एंड धीरे धीरे वो ग्रो होते हैं. तो जो आप देखते हो इंसेक्ट्स, आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट, वाटर, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस में आपको दिखेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी आल्सो सी मैनी इंसेक्ट्स. आप अपनी डेली लाइफ में, आप कभी नोटिस करना, आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप कभी नोटिस करना, आपके चारों तरफ देखना, आंट्स, बीटल्स, बीज, मधुमक्खी, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ये आपको घूमते हुए नजर आएंगे. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. में क्या डिफरेंस है? जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं हमारे, और जो एनिमल्स हैं वो आप देखते हो काऊ वगैरह, क्या है हमारे? अदर एनिमल्स. लेट अस नो द अबाउट सम इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, फ्ली, आंट, बम्बलबी, बीटल, ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर क्या हमारा? टिड्डा, जो आपको रेनी सीजन में दिखाई देगा. वास्प, ये क्या है? पीला ततैया. लेडीबग, ये हमारे कुछ ऐसे कॉमन इंसेक्ट्स हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं. फिर कहाँ पे ये आपको देखने को मिलते हैं? स्ट्रीट लाइट के पास, बटरफ्लाइज को देखो फ्लावर के पास घूमती रहती है. फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में बात की थी.
कि ऐसे इंसेक्ट जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल से आता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एर्थोपोडा कहेंगे। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। नाउ द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स होते हैं, आप लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं हैंड, नोज, ईयर। तो ऑब्जर्व केयरफुली सम कॉमन इंसेक्ट्स सच एज आंट्स, मॉस्किटोस, बीज, फ्लाइज, ईटीसी। अराउंड यू, अपने चारों तरफ कुछ ऐसे कॉमन इंसेक्ट्स को आप देखते होंगे। डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन एमंग देम, कुछ आपने कुछ फाइंड किया कि कुछ कॉमन दिखे? राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन। दिस इज़ योर एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको नोटिस करना है। आफ्टर दैट, जैसे नेम ऑफ इंसेक्ट्स हैं, आंट है, आंट के कितने लेग्स होते हैं, कितने सेगमेंटेड बॉडी होती है, एंटेनी होती है, विंग्स, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको घर से करनी है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव सम कॉमन बॉडी फीचर्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके कॉमन बॉडी फीचर्स होते हैं। द इंसेक्ट्स बॉडी इज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड इनटू थ्री सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, हेड, थ्रोएक्स एंड एब्डोमेन। हेड हमारा सर हो गया, थ्रोएक्स क्या होता है, छाती, एंड एब्डोमेन पेट। द सेगमेंट्स ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी आर टू फॉर्म अ चिटिन, एक चिटिन की फॉर्म में आती है। इट फॉर्म्स एन एक्सटर्नल स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन क्या, हमारा कंकाल। द एक्सो स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, जो कि हमारी, जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी को एक सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम पहले पिक्चर के साथ समझेंगे। बॉडी सेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, हेड, थ्रोएक्स एंड एब्डोमेन, आप तीन देख रहे हो। तो हेड कहाँ प्रेजेंट है, अपर साइड में। थ्रोएक्स है जो कि इंसेक्ट के लेग साइड में प्रेजेंट है, एंड एब्डोमेन जो कि बैक साइड में है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। थ्री सेक्शंस होते हैं कौन से इंसेक्ट्स के, हेड, थ्रोएक्स एंड एब्डोमेन, तीन के डिवाइड में, पार्ट में डिवाइड है। अब तीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेड, द हेड कंप्राइजेस द एंटनी, आई एंड माउथ पार्ट। इसमें ये भी तीन पार्ट में है, एंटनी, आई एंड माउथ पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड है। द एंटनी, आई एंड आइज आर द मेन सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे ह्यूमन बॉडी के फाइव मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हियर, स्मेल, टच, ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं इनके एंटनी और आइज दो मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एंटनी आर ऑर्गन्स ऑफ टच, स्मेल, एंड इन सम इंसेक्ट्स इट्स आल्सो हेल्प्स इन हियरिंग। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव अ लॉन्ग शकिंग ट्यूब कॉल प्रोबोसाइस, इट इज़ यूज टू शक नेक्टर। जैसे एंटनी है, कुछ और कुछ ऑर्गन्स कुछ इंसेक्ट्स के लिए टच और स्मेल का वो फंक्शन वर्क करती है, कुछ को हेल्प में करती है हियरिंग के लिए। लाइक बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई है उसकी जो लॉन्ग शकिंग है, उस ट्यूब होती है, उसे हम प्रोबोसाइस कहते हैं। और इट इज़ यूज टू शक नेक्टर, वो रस को चूसने के लिए उसको यूज़ करती है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज थ्रोएक्स, अब हम थ्रोएक्स के बारे में बात करेंगे। द थ्रोएक्स पार्ट हैज़ लेग्स इन एडल्ट इंसेक्ट्स, जो थ्रोएक्स पार्ट है वो एडल्ट इंसेक्ट्स के लेग में होता है। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था थ्रोएक्स पार्ट कहाँ था, इंसेक्ट के लेग में था। बट मैनी लार्वा डू नॉट हैव लेग्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके लेग्स नहीं होते, वो विंग्स, उड़कर अपना उड़कर एंड ओपनिंग इन द बॉडी फॉर एयर इज कॉल्ड अ स्पायरिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस पार्ट। इंसेक्ट्स हैव सिक्स जॉइंटेड लेग्स, आप ह्यूमन बॉडी के टू लेग्स होते हैं वॉकिंग के लिए, इंसेक्ट्स कितने होते हैं, सिक्स लेग्स होते हैं। दे आर यूज फॉर मैनी फंक्शंस बिसाइड्स वॉकिंग, वॉकिंग के लिए वो फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स दे रखे, डिफरेंट इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। प्रेइंग मैंटिस यूजेस इट्स फ्रंट लेग्स टू कैच प्रे, मोल क्रिकेट यूज इट्स फ्रंट लेग्स टू डग सॉइल, ग्रास ओपर मेक्स साउंड विद इट्स हिंड लेग्स। तो ये क्या है हमारे कुछ फंक्शन, जो फंक्शन कुछ इंसेक्ट्स के फंक्शन बताए कि किस यूज़ में वो कैसे करते हैं। मोस्ट एडल्ट इंसेक्ट्स हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट सम हैव ओनली वन पेयर, किसी के ओनली वन पेयर होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक लाइस, फ्लीज एंड वर्कर्स आंट्स डू नॉट हैव
विंग्स। कोई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक हमारे लाइस क्या है, जुए, फ्लीस, पिस्सू, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जिनके विंग्स नहीं होते। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या था, पेट। तो एडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट हैव वॉकिंग लेग्स ऑन द एब्डोमेन। जो एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो एब्डोमेन पार्ट नहीं होता उनके फॉर वॉकिंग के लिए, लेग्स नहीं होते। सब लार्वा हैज अ फ्लैशी लेग्स जिसे हम प्रोलैक्स इन दिस पार्ट, दे यूज देम फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ ऐसे सारे जो इतने इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस एग्जिट्स इन द लाइफ ऑफ एन इंसेक्ट्स बिटवीन हैचिंग एंड एडल्टहुड। वो हैचिंग से जो एडल्टहुड तक की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसके इंक्लूड होती हैं। द सिक्वेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस दैट अक्वर इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉम हैचिंग टू एडल्टहुड इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस। जो भी हमारे जो भी इंसेक्ट्स की हैचिंग से एडल्टहुड तक की भी जितनी भी प्रोसेस होती है वो हमारी क्या बोलेंगे उसे, मेटामोरफोसिस। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई अंडरगो फोर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देयर आर फोर स्टेजेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई। द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम एग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ये एग से स्टार्ट होता है। अभी हमने कुछ देर पहले बोला जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो एग से स्टार्ट होते हैं। इट्स लुक्स मोर लाइक अ वॉर्म। किसकी तरह दिखते हैं, एक कीट की तरह दिखते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड लार्वा। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई की जो लार्वा होती है उसे हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर। इंसेक्ट्स शेड ऑफ देयर ओल्ड स्किन व्हेन दे ग्रो फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। जो इंसेक्ट्स धीरे धीरे अपनी शेड ऑफ स्किन में आते हैं, ओल्ड स्किन में आते हैं, धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरी स्टेज से जाते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मॉल्टिंग। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली मॉल्टिंग इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। ये धीरे धीरे ग्रो होती है, इनकी स्किन चेंजेस होती जाती है। आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स ईटिंग। कुछ टाइम बाद ये खाना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। मेक्स अ कवरिंग फॉर इट्सेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए। इट इज़ नाउ कॉल्ड प्यूपा, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। इनसाइड द कवरिंग द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग। जो कैटरपिलर है वो चेंज होती है। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा ओपन एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। एडल्ट बटरफ्लाई की उसमें आ जाती है। तो अब हम लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लें। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्या होता है, एग्स विच अब हम डायग्राम के साथ समझेंगे। नाउ स्टार्ट विद एग्स। एग्स से स्टार्ट हुआ, कम टू द कैटरपिलर की जो लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई हमारी क्या है, कैटरपिलर की फॉर्म में आती है। देन प्यूपा जो हमारी किसकी धीरे धीरे इनसाइड अपनी कवर करती रहती है, एंड कम टू द फ्यू वीक्स में वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो हमारी क्या थी, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, जो अभी हमने पिक्चर के साथ समझी थी। सम स्मॉल इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे कॉलोनीज में दिखाई देते हैं मोस्टली। मैनी इंसेक्ट्स सच एज आंट्स, टर्माइट्स, वीज, ईटीसी लिव इन कॉलोनीज। आंट्स, चीटी, टर्माइट्स हमारे क्या है, दीमक, हनी वी। आंट्स फीड ऑन सीड्स, नेक्टर, स्मॉल इंसेक्ट्स, लीव्स, वॉर्म, रेप्टाइल्स, ईटीसी। अब आप एक पिक्चर में समझो। डू यू नो द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगोट। जो हाउस फ्लाई की जो लार्वा होती है उसे हम क्या कहेंगे, मैगोट। आर डिविजन ऑफ लेबर एमंग देम। फॉर एग्जाम्पल इन एन आंट्स कॉलोनी द क्वीन आंट रन्स द नेस्ट और द आंट हिल वर्कर आंट्स गैदर्ड फूड फॉर लुक आफ्टर द एग्स। लार्वा एंड प्यूपा सोल्जर आंट्स गार्ड द आंट्स। तो हमारे कैट आपने कॉलोनीज में देखा होगा डिफरेंट 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 कलर के डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे आंट्स, टर्माइट्स, हनीबीज, अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो क्या करती हैं, अपना अपना फूड लेती हैं, अपने अपने डिफरेंट प्लेसेस पे जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट आंट्स होती हैं, क्वीन आंट्स, मेल आंट, नॉर्मल साइज वर्कर आंट, सोल्जर आंट, क्या है
ants ke type and ant hill. Termites have wings that they shed once they have found a good place of well done a nest. Termites का हमारा दीमक जो कि colonies में आपको देखेंगी and colonies में आपको देखेंगी कहाँ पर देखेंगे कॉलेज में एक अच्छी प्लेसेस पे ये फर्नीचर्स को लॉस्ट पहुँचाती है जिसे हम साइलेंट डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू चू थ्रो वुड फ्लोरिंग एंड इवन वॉलपेपर अनडिटेक्टेड ये वॉलपेपर्स वगैरह को भी खराब कर देती हैं नाउ हनी वीज आल्सो लिव इन कॉलोनीज विद वन क्वीन रनिंग द होल वी द मेन जॉब ऑफ क्वीन वी इज टू ले एग्स वर्कर हनी वीज सर्च फॉर अ फूड अपने लिए फूड एंड वुल द हनी कॉम आपने देखा मधुमक्खी का जो छत्ता है यही है एंड प्रोटेक्ट द हाइव तो अपना फूड लेके अपने उसमें चली जाती हैं नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स के क्या हार्मफुल इंसेक्ट इफेक्ट हैं तो इंसेक्ट्स कैन कॉज इंजरी एंड इवन डेथ बाय देयर बाइट्स और स्टिंग्स जो इंसेक्ट्स हैं उससे हमारी कई इंजरीज हो जाती हैं कुछ डिसीजें हमें बहुत हार्मफुल पहुँचाती है कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं कुछ इंसेक्ट्स जिनसे डेथ भी हो जाती है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनसे हमें बहुत सारी डिसीज़ फैल हो जाती है लाइक मलेरिया येलो फीवर तो इसी में इसमें डिस्कस किया है इंसेक्ट्स कैन कॉज इंजरी एंड इवन डेथ बाय देयर बाइट्स और स्टिंग स्टिंग मीन्स क्या डसना मैनी इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट बैक्टीरिया एंड जर्म्स कॉजिंग फैटल डिजीज ट्रांसमिट पैथोजेंस दैट कॉज मलेरिया डेंगू येलो फीवर एंड अदर डिसीज मैनी वीज वास्प के हमारा पीला ततैया एंड आंट्स कैन कॉज पेन एंड इवन डेथ बाय देयर स्टिंग्स इंसेक्ट्स आल्सो अटैक ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द फील्ड एज वेल एज फूड स्टोर्ड इन आवर होम सो इंसेक्ट्स हमारे किस पे फूड और वेजिटेबल्स पे भी अटैक करते हैं अब आप किचन में जा रहे हो अनकवर्ड फूड अनकवर्ड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह उसे खा भी सकती हैं वो खाती हैं थोड़ा सा स्टिंग कर जाते हैं डस जाती हैं आपको क्या पता चल रहा है तो आप उसे खाओ तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है सम इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स ईट आवर हाउस कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे हाउस के लिए हार्मफुल हैं लाइक हमारा टर्माइट्स जो कि हमारे वुड को खा जाता है सिल्वर फिश हुई ईट आवर कारपेट जो सिल्वर फिश है वो हमारे कारपेट्स और क्लॉथिंग को हार्म पहुँचाती है मैनी इंसेक्ट्स कॉज डिसीज ऑन प्लांट्स तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमें बहुत इंजरी पहुँचाती है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके डसने से हमें बहुत पेन होता है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके डसने से बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं लाइक मलेरिया डेंगू वगैरह हो जाते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जिनसे डेथ भी हो जाती है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे हमारे घर को हार्मफुल पहुँचाते हैं लाइक टर्माइट्स एंड सिल्वर फिश तो हम टर्माइट्स लुक एट दिस पिक्चर टर्माइट्स ईटिंग वुड लकड़ी को खा जाती है तो लकड़ी खा के कैसी हो जाती है बिल्कुल बेकार कॉकरोच एंड सिल्वर फिश नाउ द रेमेडीज ऑफ इंसेक्ट्स की रेमेडीज़ क्या है मतलब कि किससे हम बच कैसे बच सकते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज मीन्स उपाय सम इंसेक्ट्स इंजेक्ट सम हार्मफुल केमिकल्स इनटू द ह्यूमन व्हेन द स्टिंग कुछ कैसे केमिकल यूज़ करके हम बचा सकते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंस उसको कम कर सकते हैं प्रेजेंट इन इंसेक्ट बाइट फॉलोइंग रेमेडीज कैन बी यूज इन केस ऑफ वी के डसने से क्या होगा बेकिंग सोडा कैन बी अप्लाई यू कैन आल्सो apply the baking soda on the sting area it gives relief from the pain aapko usse relief milega pain se and slowly heal it in case of wasp mein pila tataiya bataya hua hai use vinegar on the sting area aap sting area pe vinegar use kar sakte ho it gives relief from the pain aapko relief milega antibiotic cream can also be applied aap antibiotic cream ka bhi use कर सकते हो स्टिंग एरिया पे जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड रैप एंड आइस क्यूब इन इट आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है उस पर आइस ट्यूब रखना है देन अप्लाई द स्टिंग एरिया आपको उस एरिया पे अप्लाई करना है जिससे कि आपको रिलीफ पेन से रिलीफ मिलेगा बट रिमेंबर इट नेवर पुट आइस डायरेक्टली ऑन द स्टिंग आप डायरेक्टली आइस को स्टिंग एरिया पे नहीं लगाना तो हमारी रेमेडीज़ क्या हो गई इसकी कि हमें अगर वी ने स्टिंग किया है तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं एंड इन द वास्प
पीला ततैया के काटने से काट जाता है। देन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, विनेगार का यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्रीम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा पेन से रिलीफ मिलेगा। हम एक कपड़े का टुकड़ा लेके उस पर बर्फ़ का आइस ट्यूब रख के हम स्टिंग एरिया पे लगाएंगे, उससे रिलीफ मिलेगा। बट ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट आइस ट्यूब नहीं लगाना है। नाउ स्टेप्स टू कीप अवे हार्मफुल इंसेक्ट्स से हम कैसे दूर रह सकते हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके रख सकते हैं। और भी कुछ ऐसे हैं स्टेप्स जिसे हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कि जब इंसेक्ट्स से हम दूर रहेंगे तो हमें कुछ बीमारी नहीं होगी, कुछ हार्मफुल नहीं होगा। तो कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। वी कैन प्रिवेंट इंसेक्ट स्टिंग्स बाय कीपिंग देम अवे। इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिंगिंग इंसेक्ट्स ऑन देयर नेस्ट। हमें स्टिंगिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचो कि आपको कोई बिना बैठे आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा आपको। वही सेम केस इनके साथ है कि अगर आप बिना बात के उनको करोगे तो वो आपको डसेंगी। तो हमें डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिंगिंग इंसेक्ट्स ऑन देयर नेस्ट। टू कीप अवे पैरासाइट्स लाइक टिक्स लाइस एटीसी। हमें पैरासाइट्स जैसे टिक्स और लाइक्स हमें दूर रहना चाहिए। क्लीननेस शुड बी मेंटेन। हमें क्लीननेस रखनी चाहिए। पैट्स शुड बी क्लीन। पैट्स को क्लीन रखना चाहिए। हेयर शुड बी क्लीन। हेयर को भी क्लीन रखना चाहिए। पेस्टिसाइड्स हमारे क्या हैं? कीटनाशक शुड बी यूज इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू कंट्रोल द पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, किस लिए यूज़ करना चाहिए पेस्टिसाइड्स का? कि जो डिस्ट्रॉय हमारे क्रॉप्स ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। यूज़ ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स सच एज ड्राइड नीम लीव्स। हमें नीम का यूज़ करना चाहिए। लेडी बैग ईटीजी शुड बी इनकरेज। स्पाइडर आल्सो हेल्प इन नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एज दे ईट अदर वर्ग्स। टू कीप अवे मॉस्किटोस आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन। हमें अपने मतलब इंसेक्ट्स से दूर रखने के लिए हमें अपना इन्वायरमेंट जो है हमें क्लीन रखना चाहिए। तब क्लीन होगा तो इंसेक्ट्स आएंगे नहीं। इंसेक्ट्स वहीं आते हैं जहाँ पे उन्हें गार्बेज, जहाँ पे उन्हें गंदगी कूड़ा कचरा नज़र आता है, वो अपने लिए फूड सर्च करते हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सही रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स आएंगे नहीं। तो आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन। मॉस्किटोस ब्रीड इन वाटर गार्बेज हीप्स etc. Therefore, do not let the water anywhere. Clean your coolers regularly. अपने coolers को regularly clean करना चाहिए। Use mosquito net and mosquito at home. Furniture and wooden articles should be polished. हमें furniture और wooden articles जो होते हैं उन्हें daily polish करना चाहिए। किसके लिए? For to keep away from the termites. दीमक से दूर रखने के लिए। अब आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ शॉर्ट में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एर्थोपोडा? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हैव अ सेगमेंटेड बॉडी एंड एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड लेग इज कॉल्ड अ एर्थोपोडा। द इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्ज एनिमल्स इज कॉल्ड अ एर्थोपोडा। नाउ द चिटिन। चिटिन क्या है? अ हार्ड सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस क्या होता है माना, जिससे कि एक्सोस्केलेटन बनता है। एक्सोस्केलेटन क्या है? हमारी कंकाल। अ रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग फॉर द बॉडी दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हैबिटेट्स अ प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो। द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रो। मेटामोरफोसिस द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग drastic changes that transfer an insect from immature state to an adult. In this process, the changes, ऐसे changes जो कि hatching से adult हो तक की जितनी भी process होती है, जितने भी changes होते हैं, जितने भी steps होते हैं, उसे हम कहेंगे metamorphosis. Molting, shedding of old skin is called a molting. Pathogens, disease causing microorganism is called a pathogens. Pesticides, कीटनाशक, chemicals used in crop fields to kill harmful pests is called as pesticides. Pheromones,
स्पेशल केमिकल रिलीज फॉर कम्युनिकेशन वाया सम इंसेक्ट्स इज कॉल्ड अ फेरोमोन्स। प्रोवोसाइज लॉन्ग स्लेंडर शकिंग होती है जिससे कि वो अपना डसती है, वो डस जिससे कि वो अपना रस निकालती है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रोवोसाइज। सेंसरी ऑर्गेन्स, ऑर्गेन ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियर एंड टेस्ट इज कॉल्ड अ सेंस ऑर्गेन्स। स्पाइरिकल्स, एयर होल्स फॉर ब्रीथिंग इन एन इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड अ स्पाइरिकल्स। नाउ स्पाइरिकल्स बोलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज फॉर्म ऑफ, एक्सोस्केलेटन किसकी फॉर्म में आता है, क्या पढ़ाते हैं, चिटिन। चिटिन इज द करेक्ट आंसर। द फ्लैशी प्रोजेक्शन इन द बॉडी ऑफ द लार्व आर कॉल्ड लेग्स, प्रोलेग्स, मस्कुलर फुट, स्केल्स। यस, प्रोलेग्स इज द राइट आंसर। द सिक्वेंस ऑफ ब्लास्टिंग चेंजेस फ्रॉम हैचिंग टू एडल्टहुड इज कॉल्ड, क्या पढ़ा था, ऐसे सिक्वेंस, ऐसे चेंजेस जो हमारे हैचिंग से एडल्टहुड तक के जितने भी चेंजेस होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामोरफोसिस। तो मेटामोरफोसिस इज द आंसर। नाउ द फोर्थ, प्रोवोसाइज इन सम इंसेक्ट्स आर ऑर्गेन्स ऑफ फीडिंग, टच, स्मेल एंड हियरिंग। तो फीडिंग में पढ़ा था तो इसे, सो फीडिंग इज द आंसर। द नंबर ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट्स इज, जो कितने लेग्स पड़े थे, अब ह्यूमन बॉडी के कितने लेग्स थे, दो थे, एंड इंसेक्ट्स के सिक्स। तो सिक्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एन इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू, जो इंसेक्ट्स के कितने बॉडी पार्ट्स पड़े थे, तीन, हेड, थ्रोएक्स और एब्डोमेन इज द आंसर। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रो एयर होल्स कॉल्ड, जो यहाँ से वो अपनी सांस लेते हैं वो क्या होता है हमारा, होल्स, स्पाइरिकल्स। आंट्स एंड बीज लिव्स इन, जो आंट्स, बीज और क्या पढ़ाते हैं, टर्माइट्स, कहाँ रहते हैं, कॉलोनीज में। तो आंट्स एंड बीज लिव्स इन कॉलोनीज। इंसेक्ट्स हेल्प इन डैश इन प्लांट, जो इंसेक्ट्स हैं किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन, प्लांट्स के हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टैसी टैसी फ्लाई। नाउ टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पर टिक लगाना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर क्रॉस बनाना है। ऑल इंसेक्ट्स हैव फोर पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, कितने पेयर्स पड़े थे, किसी के टू पेयर्स पड़े थे, किसी के वन पेयर पड़ा था और किसी के पेयर्स नहीं थे। तो फोर पेयर सबके नहीं होते, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंसेक्ट्स फील थ्रो देयर एंटेनी, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, नहीं दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। द वर्कर्स इन द कॉलोनी ऑफ सोशल इंसेक्ट्स आर ऑल फीमेल्स। अब कॉलोनीज में हमने आंट्स के बारे में पढ़ाते तो सारी फीमेल्स थे, नहीं कुछ सोल्जर थे, कुछ वैसे वर्कर्स थे, तो दिस स्टेटमेंट आल्सो रॉन्ग। एनसीफेलाइटिस इज कॉल्ड बाय अ वीज, नहीं दिस इज आल्सो अ रॉन्ग। नाउ मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी। तो वी स्टिंग, वी स्टिंग से क्या होता है हमारा, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, ओल्ड स्किन, डैमेज फर्नीचर, बेकिंग सोडा, विनेगर या लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई। यस बेकिंग सोडा इज द आंसर, इससे मैच कर रहा है ना। मॉलिटिन, मॉलिटिन इज रिलेटेड टू शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। टर्माइट्स इज रिलेटेड टू डैमेज फर्नीचर। मैगोट, मैगोट इज रिलेटेड लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई जो होता है। वास्प स्टिंग, वास्प स्टिंग में हम क्या यूज करते हैं, विनेगर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द ग्रुप ऑफ टू विच इंसेक्ट्स बिलोंग, कौन से ग्रुप से करते हैं वो बिलोंग, एर्थोपोडा। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, स्टेट इट्स मेन फंक्शन, क्या है एक्सोस्केलेटन, इज अ रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग फॉर द बॉडी टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। जो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, कंकाल क्या होता है हमारा, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट कर हमारी नहीं है। पोड़ा, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, स्टेट इट्स मेन फंक्शन। तो एक्सोस्केलेटन इज अ रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग फॉर द बॉडी, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। जो एक्सोस्केलेटन किस में हेल्प करता है,
इंसेक्ट्स की बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द सेंसरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स? कौन से मेन सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था? द एंटेना एंड आईज आर द मेन सेंस ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट्स? तो लेग्स आर यूज फॉर वॉकिंग इन इंसेक्ट्स। जैसे आप ह्यूमन बॉडी या ह्यूमंस को देखो, आप लेग्स के द्वारा ही वॉकिंग करते हो, ऐसे इंसेक्ट्स आर यूज फॉर वॉकिंग इन इंसेक्ट्स। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। कितनी स्टेजेस पढ़ी थी? 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ी थी। बटरफ्लाई अंडरगो 4 स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम एग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट हैचेस से स्टार्ट होता है। एंड द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई की जो लार्वा होती है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। लार्वा चेंज होता है प्यूपा में एंड विच देन चेंजेस टू द एडल्ट बटरफ्लाई। तो हम इसे डायग्राम के साथ भी ड्रॉ कर, डायग्राम की हेल्प से भी हम इसे समझ सकते हैं। नेम सम डिसीज कॉज बाय इंसेक्ट्स। मलेरिया, डेंगू, येल्लो फीवर्स आर द मेन कुछ सम डिसीज कॉज बाय आर इंसेक्ट्स। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड।